जगह ही बड़ी खतरनाक है भाई। सर हम 8 बजे के बाद ये लाइन में चलते नहीं। अच्छा फाइट हो जाते हैं सब। और मैं ये कह रहा हूँ जैसे बाघ का इलाका है ठीक है ये वाला, तो गुलदार भी आता है? हाँ जी। हाँ गुलदार ने तो सर चीतल मारा था यहाँ पे। चीतल मारा था। अब ये देखो हमें आइडिया ही नहीं है कि इतना अंदर तक ये गांव हुआ जो है। हाँ कितना बड़ा गांव। ऐसा लगता था, ऐसे लगता था कि सुंदर खाल मोहन के पीछे कोसी रिवर है बस फिर जंगल है पीछे। देखो सर पता क्या है, हमारा चैनल बनाने का मकसद यही है कि हम लोगों की हेल्प करें आगे फ्यूचर में। खाली अपनी अरे लोगों की भी और वाइल्ड लाइफ की भी। हाँ अरे कितने सारे कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे। पर यही तो गुलदार खाता है फिर। ये देखिए दोस्तों डरते नहीं हो बाघ से? हाँ नहीं डरते? अरे भाई ये भी खुद शेर है भाई। नहीं डर तो सामने आएगा तो सब शेर निकल जाएगा। सामने सामने डरते हैं। देख तो रखा होगा बहुत बार। दूर होगा तब नहीं डरते हैं। अच्छा कोसी रिवर में आ जाता है? हाँ कोसी के पार कभी बार भी आ जाता है। अच्छा सब डूब गया, सब बह गया, मकान भग गए, भग गए सब मकान। हाँ पानी में बहुत तबाही। घने जंगल देखिए ना, कितने घने जंगल हैं, बिल्कुल जैसे हम डिकाला जाते हैं अंदर, पिजरानी से दिखते हैं अंदर जाके। जैसे कॉर्बेट में होता है ना 6 बजे बाद बाहर निकलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई फंक्शन है इधर तो हमको झुंड बना के आना पड़ता है। सही बात है। अगर कोई शादी ब्याह है तो हमको झुंड बना के आना पड़ता है एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आधे घंटे बाद इधर आवाज करने लग जाएगा, शेर भी सब हिरण आ जाएंगे। शेर टाइगर। अच्छा टाइगर दहाड़ मारेगा। दोस्तों आपने मुझे कहा था, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट करी थी आपने सबने काफ़ी ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्स आया था कि विलेज लाइफ दिखाना जिम कॉर्बेट के आजू बाजू। तो मेरा वही पर्पज़ था कि मैं आपको जिम कॉर्बेट के आजू बाजू की विलेज लाइफ दिखाऊं। हाँ ये धान लगी हुई है, अब सब पकने वाली है। ये देखिए विलेज लाइफ कितनी शानदार है और डेंजर भी। अच्छा ये आपका खेत है ये वाला? हाँ अरे वाह, ये जो आपकी जो खेती बाड़ी है पूरी यानी बारिश पे डिपेंड है? हाँ वो सब पानी आता है। अच्छा पहाड़ का ना, फिर से नाली भी है सर, रोड अच्छा, है आरसीसी रोड है। अच्छा अच्छा ये आपने मकई लगाई हुई है? हाँ ये देखो कॉर्न, स्वीट कॉर्न। ये देखिए दोस्तों टाइगर टेरिटरी। वो तो सर अमित भाई मेरे से सड़क लेने के चक्कर में थे। अच्छा नदी ने जरा फेल कर दिया काम। अच्छा मेरे से सड़क ले रहे थे, मेरी जमीन लगती है ना पूरी। हाँ 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 वो गोबिल का पेड़ है सर सामने, पेड़ से नीचे को मेरे ही है। अच्छा पूरा जो आपने बाउंड्री करी हुई है। हाँ जी। लकड़ी की। ये देखिए दोस्तों जो दाल खाते ना पहाड़ी में। अच्छा हाट वगैरह वो वाला रेगुलर है। इस तरह का खेत किसका है ये वाला? ये खेत ये ख्याली का। ख्याली का है और ये आपका है? हाँ। कितनी बोरी आ जाती है चावल की? 16-17 बोरी हो जाते हैं। अरे वाह तो आप तो फिर बेचते भी हो इसको? सर ये भी है सर हमारे ही। देखिए दोस्तों खूबसूरती देखिए जंगल की, उसके बाजू में चुकम गांव। सर ये है आरसीसी सड़क हमारी। ठीक है जो पीछे से रोड आ रही है ये? ना ना सर ये रोड ऐसी है ट्रैक्टरों का और जिप्सी वगैरह का। नहीं कहाँ से आ रही है? ऊपर मंदिर पे। टिपने भी साथ आ रहा है हमारे। ये मंदिर घुमा लो सर ऊपर को। मंदिर हाँ। ये कहाँ जा रही है? गांव की तरफ? तो गांव कल चले मंदिर चले अभी इस तरफ कहाँ चल रहा है? पहले गांव गांव सुबह 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 गांव घूमे मंदिर सुबह मंदिर सुबह सुबह वहाँ जाना। एनिमल एक्टिविटीज जो सुबह सुबह होती है ना एकदम अर्ली जितनी जल्दी हो सकता है। सही है कुत्ता काट देगा। चलो अंदर जाओ चल जा अंदर। चलो कौन काट देगा? दूसरे ये होते हैं डॉग, कहते हैं ना फेथफुल एनिमल, साथ साथ चल रहा। देखो हमारे यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिल ही जाता है, लोग जाते हैं केदारनाथ जी उनके पीछे पीछे जाता है। देख लो लोग ऊपर तक। ये अरबी है?
ना सर ये जंगली जंगली है सर, ये है ना सामने घर है। हाँ ये जहाँ पे लौंडा खड़ा है इसके बगल में था झोपड़ी, वहाँ से शेर ना बैल मारा है। अच्छा ये जो आप तू कह रहे थे वो आम का पेड़? हाँ जी ये गल है, आम का पेड़ पेड़ पे बताया था। ये है वो, ये है ये वाला आम का पेड़। हाँ जी तो इनके घर में, इनके घर में मारा था। हाँ जी अच्छा, तो यहाँ तो फिर मुआवजा मिला होगा ना उनको फिर? तो आया कहाँ से? घर में मारा है। टाइगर तो ऐसे आता सर, रेवी रेवी आ जाता है। तो ये रास्ता खुला हुआ था जब मारा था? हाँ सर। अभी ये फॉरेस्ट की जगह है ये वाली, ये जगह। हाँ तो इसमें जो पेड़ लगे हुए ये पेड़ नींबू लगे हुए हैं। हाँ जी वो एनिमल ट्रेल्स, टाइगर आने जाने का रास्ता। ये पगडंडी जो दिख रही है ये बिल्कुल, तो यहाँ से टाइगर आया होगा ऐसे, यहाँ से बैम्बू लगा हुआ है बांस। और सर ये नहर में हमारे कैनाल का नहर, सरकारी नहर कहते हैं ना जिससे खेती बाड़ी के लिए पानी छोड़ते हैं। हाँ जी इसी इसमें। ठीक है ठीक है। जब जीसीबी आएगा सर तब जीसीबी पानी डालेगी। अच्छा अभी तो जीसीबी की बस के नहीं है, पानी ज्यादा है। अच्छा अच्छा। जब कम हो जाएगा तो फिर जीसीबी पानी ले आएगा, रास्ता बना देगा। ठीक है ठीक है। रास्ता भी पानी भी दे जाएंगे। ये क्या था? ये मोर होगा सर, मोर था। क्या था? जंगली मुर्गा था, पीजेंट। वो भी हो सकता है। ये लकड़ी इकट्ठी करके लाते हैं लोग। सर इसी में खाना बनाते हैं ज्यादातर, चौमास में जब सिलेंडर पार नहीं गया तो उन्होंने कहा इसी में बनाओ खाना है। अच्छा ये लकड़ी से? हाँ जी। और ये नींबू के पेड़ है सर। हाँ जगह ही बड़ी खतरनाक है भाई। सर हम 8 बजे के बाद ये लाइन में चलते नहीं। अच्छा हाँ साइड हो जाते हैं सर। और मैं ये कह रहा हूँ जैसे बाघ का इलाका है ठीक है ये वाला, तो गुलदार भी आता है? हाँ जी। हाँ गुलदार ने तो सर चीतल मारा था यहाँ पे। चीतल मारा था? हाँ जी उस दिन जो। अच्छा अच्छा देखना टाइगर ही ना बैठा हो, उसके मुंह पे भी स्मेल आई थी आएगी जो है किसी जानवर के सड़ने की स्मेल आ रही है। और आ गया हूँ देखो स्मेल करो, ये देखो आने जाने का रास्ता ये बीच में पेड़ के, ये देखो ये देखो ये जो बीच में रास्ता दिख रहा है। अच्छा लास्ट हाथी कब आए थे यहाँ पे? हाथी इस गांव में? हाथी तो सर कभी कभी आते हैं, कभी कभी आता है क्योंकि ये पहाड़ है ऊंचा है, इस तरफ से नहीं आता होगा। नीचे नदी में तो दिखता होगा दूर से। हाँ है ना। हाँ कहते गुलदार ने यहाँ पे, ये नीरज नहीं है सर, नीरज। हाँ हाँ राजू भाई। हाँ हाँ तो सर यहाँ पे मारा था चीतल, जहाँ पे आदमी आ रहे हैं वहाँ पे मारा था वो गुलदार कहते हैं, क्या कहते हैं उसने मारा था चीतल जहाँ पे आदमी आ रहे हैं। फिर मैं करता था फायर वाचर में नौकरी, उस दिन से मेरे को ये जानता है नीरज, नीरज जानता है। हाँ, हाँ, ठीक है। भाई उनको पार कर दे, फॉरेस्ट में थे ये। हाँ, हाँ, ये भी उस पे करते हैं। तभी तो नीरज ने इनको भेजा हमारे लिए। चलो बढ़िया, नीरज बहुत अपना खास भाई है समझ लो। ये तो मैंने एक बार बोला था बस उसको, तो उसने आपको बोला होगा फिर। तो हमारा एक छोटा भाई समझ लीजिए, वो मोहान में है, मोहान चौकी के। ये काका आ गए, ये भी कभी फॉरेस्ट में ऐसे जॉब करते थे। राम राम। तो ये विलेज लाइफ है दोस्तों, देखिए कि साकेत जी आने वाले हैं, तो ये दयाल जी हमें बहुत मदद कर रहे हैं, हमारा पूरा सामान लेकर आए। मैं तो बह जाता, तैरना भी जानता। नदी पार कराई, नदी पार कराई इन लोगों ने। ये नदी तैरने वाली नहीं थी सर, क्योंकि पत्थर है इसमें। मेरे लिए ना जो तैरना नहीं आता उसके लिए स्विमिंग पूल भी कई बार। नहीं सर मैं गुड स्विमर हूँ, पर मैं भी नहीं तैर सकता, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि पत्थर है इसमें, हम हाथ नहीं, हाथ पैर मार नहीं सकते इसमें। कितना रहा था? बहुत स्लिपरी था, बहुत। हमें ऊपर से हम कैमरे में दिखा सकते हैं, लेकिन जो पैर के नीचे चल रहा था बहुत स्लिपरी था, हम सिर्फ बता सकते हैं दोस्तों। अरे बहुत कांटे हैं, पत्थर चुभे, बहुत तीखे दिखे। हाँ पर एक जगह तो इतनी ज्यादा लहर आई, पर करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करेंगे। हाँ बिल्कुल, पूरी मेहनत करेंगे, आपको वो दिखाएंगे जो कोई आपको नहीं दिखाता है। विलेज लाइफ। मैंने और नियर जिम कॉर्बेट। सर ये है हमारे स्कूल। अच्छा ये इनके चले एक विलेज लगता है। ये इतना बड़ा जो स्कूल है ये अभी बन रहा है? अरे वाह ये आप बन रहा है सर, ये हो रहा है करदम, साल भर भी नहीं होगा अभी बन रहा है। बहुत बढ़िया, देखिए विलेज के अंदर भी कितनी अच्छी बात है, स्कूल्स बन रहे हैं। वाह 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 ब्यूटीफुल। तो बच्चों को दूर ना जाना पड़े, हाँ गाँव के बच्चे इधर ही पढ़े, ये अच्छा इंतजाम है गवर्नमेंट का। काम तो हो रहा है भाई, दबा के हो रहा है। यहाँ भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुक्कम रामनगर नैनीताल, माँ सरस्वती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही बढ़िया। सर ये है हमारा वार पर जाने वाला, जहाँ मैं बोल रहा था ना इतना पानी। हाँ पानी कम था। हाँ ये वाला। अच्छा यहाँ पानी कम था। हाँ जी।
तो सुबह इधर से ही जाएंगे फिर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से चुकम लग गया था। अच्छा अच्छा, अब ये देखो हमें आइडिया ही नहीं है कि इतना अंदर तक ये गांव हुआ जो है। हाँ, कितना बड़ा गांव है। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि सुंदर खाल मोहान के पीछे कोसी रिवर है, बस फिर जंगल है पीछे। हाँ, आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा गांव है पीछे, मतलब रामनगर के आगे। पता नहीं और लोगों ने दिखा, ये देखो पुदीना लगा हुआ है, पुदीना ही। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे तो बहुत काली मिर्च। वाह वाह वाह, ये तो वो लगा हुआ है, ये आम के पेड़ अंदर। नहीं, ये अमरूद है और ये अंजीर है। आम और? ये अंजीर है, आम और लीची है ना? ये तो अंदर आम और लीची गोबला। अच्छा, ये गोबला है। हाँ जी, ये आम और लीची है ना? हाँ जी, ये गोबला है। हाँ जी, इसको हिरण भी खाता है। हाँ जी, ये गिरा हुआ है, पका हुआ है ना एकदम। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आराम से खाना वाना लेके बैठना बेड पे रात को, आराम से देखना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक घंटे की पौने घंटे की तो बनाएंगे, जो हमारी वीडियो लंबी होती है जो है। बहुत ही केले का पेड़ था सर, मजा तो ऐसा है कि बस देख के इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी वाइल्ड लाइफ के बीच में लोग कैसे रह रहे हैं जो है। ये हम आपस में डिस्कशन करते हैं, ऐसी जगह घूमेंगे तो मजा आ जाएगा। अरे सही में, सपना पूरा हो गया अभी तो। अब ये देखो, ये गांव, ये तो हमने शुरुआत करी है मिलके जो है, बहुत बड़ा है। जो लोगों को हमने वाइल्ड लाइफ दिखानी है, आगे तो बहुत कुछ दिखाना है हमने। तो हम जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ से होकर आएंगे, क्योंकि हमें नदी में भी जाना है, नहाने भी जाना है। हाँ, हाँ, नहाने तो कहाँ जाएंगे, गाँव बह गया यहाँ बना है। दोस्तों इनका मतलब इनके जो कुटिया है जो चुकम गांव में, ये बह गई है, उधर नदी है, तो इन्होंने अभी अपना टेम्पररी यहाँ। देख लीजिए कितनी मुश्किल लाइफ जी रहे हैं लोग यहाँ पे, बहुत मुश्किल है यार इनके लिए। देखिए हम अपने जहाँ पे अरावत वहाँ तो कर ही रहे हैं गाँव में, मैं और सुनील जी बैठ के बात करेंगे जो भी हो सकेगा। क्यों सुनील जी? बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर पता क्या है, हाँ। हमारा चैनल बनाने का मकसद यही है कि हम लोगों की हेल्प करें आगे फ्यूचर में। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली अपनी प्रकृति से प्यार है, वो एक अलग चीज है। अरे लोगों की भी और वाइल्ड लाइफ की भी है ना। हाँ, मेरे तो बहुत बड़े ऊंचे सपने, आप देखो कब पूरे होंगे। बिल्कुल होंगे सर, जहाँ नीयत अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है। मेरा तो सपना ये है, हम लोग अपने सब्सक्राइबर सब मिलकर फ्यूचर में एक एम्बुलेंस बनाए जो वाइल्ड लाइफ के लिए हो खाली। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे इंसानों के लिए 108 है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी होनी चाहिए। जो आसपास में लोग, हाँ, उनके जो कोई वन्य जीव परेशान होता है, यानी कहीं फंस जाता है कोई भी तकलीफ में, तो वहाँ वो पहुंचे हेल्प करने के लिए। बहुत प्लानिंग है, फ्यूचर में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सब करेंगे भाई, हर चीज पॉसिबल है, पैसों से होनी है ना, हो जाएगी। किसी को भला आदमी बनाते हैं तो उसके नाम प्रधान होता है, ठीक है। अब तो प्रधान का घर दिखाता हूँ सर, अब ये तब आप कहेंगे ना यार ऐसी हालत हो गई, उनके घर आधा बच गया। अच्छा, आधा बच रखा। अच्छा, प्रधान घर भी गया। हाँ जी, ये बता रहे हैं। देखो पानी यहाँ तक आया, हाँ ऊपर तक। हाँ जी, रेत आ गई ऊपर, देखो पूरा पानी आ, रेत आ गई पूरी ऊपर तक। गाँव का जो प्रधान होता है ना, मेन आदमी। हाँ जी, वो इनका घर बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, हाँ, वो मेन आदमी ठहरा हमारा घर का, ठीक है, मतलब हमारा गांव का। दोस्तों कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती अगर इंसान करना चाहे तो। हाँ, नियत साफ होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए, वक्त पे वो चीज हो जाएगी, हम जो करना चाहेंगे वो हो जाएगा, नियत होनी चाहिए बस। ये देखिए इसमें सांप छुपते हैं इनके अंदर ही। अच्छा, इससे पानी पहुंचाया जाता है सब खेतों में? ये कनाल की नहर है सर, सरकारी नहर कहते हैं ना। नमस्कार जी, वाली नहर है सर। देखिए विलेज लाइफ, पपीते लगे हुए हैं यही सर, ये पानी के सब खतरे में है, ये जब नदी बारिश हो जाएगी ना। अच्छा, तो इसके अंदर ये रहते नहीं, फिर सामने उधर को भेड़े के साइड चले जाते हैं जंगल में। अच्छा, ये तो एक नदी सामने आ गए सर,
अब ये देखो कितना डरावना है यार, यहाँ रहना यहाँ पे। पानी इधर भी है, देखो वहीं तक गया था। छुपने की जगह कितनी है, ये देखो सर यहाँ पे से। देखिए दोस्तों विलेज लाइफ, ये पानी आ गया और ये इनका घर है। अब जब पानी पड़ेगा तो यहाँ थोड़ी रहेंगे, फिर ये जंगल को। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम। अच्छा इनका आपका घर है? हाँ जी। अच्छा, प्रधान नहीं है, पहले नीचे था पूरा, है ना? हाँ, प्रधान जी का घर है। प्रधान जी का चालू कर रहे हैं। वो जहाँ पेड़ दिख रहा सर, वो पेड़ के लाइन पे पूरा गांव था हमारा। जब बीच में नदी आई तो सब ये रेत इसलिए दिख रही है क्योंकि पानी आया था तो रेत छोड़ गया। अच्छा यहाँ तक पानी आ गया था? हाँ। अरे ये पानी डैम वाले छोड़ते हैं कि बारिश ही आ जाती है? बहुत बारिश हुई थी। अच्छा अच्छा, पूरा न्यूज में आया था ये तो। हाँ हाँ, पानी आ गया था पूरा, बहुत जो 1.5-2 साल पहले आई थी बाढ़ कोसी में, कि उसके बाद भी पहले आई थी ना? हाँ वो तो बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी। हाँ। वो तो कितने रिसोर्ट डूब गए थे डिकुली के। हाँ तो देखिए समस्याएं कितनी है गांव में। वो तो पूरी हेडलाइन बनी थी टीवी पे। और कैसे गुजारा करते हैं गांव के, देखो बुजुर्ग घूम रहे हैं, नदी पार करके जाते हैं अपनी छोटी छोटी। राम राम जी। छोटी छोटी चीजों को लेने के लिए भी कितनी समस्याएं हैं। दयाल जी पूरा गाँव का टूर करवा रहे हैं। ये देखो जंगली जानवरों से ये है कितनी परेशानी, भोजन। गांव का मेन आदमी प्रधान जी कहते हैं जिसे। हाँ जी, उनका घर ही है। अच्छा, तो प्रधान जी का घर दिखाने ले जा रहे हैं। प्रधान जी का घर भी बह गया आधा, तो दयाल जी वही दिखा। कोसी मैया ये थोड़ी देखेगी प्रधान जी हैं। हाँ, वो सबके लिए बराबर है। सही बात है सर, ये है प्रधान जी का। वाह वाह, ये है प्रधान जी। ओ हो 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 भाई मेरे, ये देखिए तबाही का मंजर भाई साहब, दूर से जी का घर। अम्मा बैठी थी उनकी, अम्मा तो नहीं होगी। सर नीचे उतर लो, ये देखिए प्रधान जी का ये घर है। यहाँ के गांव के प्रधान जी हैं, चुपकुम गांव के। ये देखिए क्या हालत हुई है जब यहाँ बाढ़ आई थी। ये देखिए ये बयां कर रहे हैं जो खिड़कियां दरवाजे। हाँ, तबाही का मंजर देखिए कैसे हुआ था। चुक्कुम इन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बना रखे हैं काटने के लिए रिवर की जो उसकी वो होती है डायरेक्शन, पर फिर भी पानी देख ली कहाँ तक गया है। ये देखिए शाम को यहाँ पे डियर, सब हिरण आ जाते हैं रात को हिरण। हाँ, उनके पैरों के निशान है सब। हाँ, कोई टाइगर का भी दिखा दो अगर हो तो कुछ। टाइगर का सर अभी चलते रहो, मैं नीचे दिखा दूंगा। अच्छा, और नीचे चले, नीचे नीचे। अभी सर गांव हमारा और लास्ट ये कोना दिख रहा पहाड़ का। हाँ, वहां तक गांव है। इतना बड़ा गांव है चुक्कुम। हमारा गांव लगभग सामने ठहरा, आमने सामने। सुंदरखाल वो सामने की तरफ है, वो सामने है सुंदरखाल। अच्छा अच्छा, उधर सुंदरखाल है, ठीक है। हमारा गांव इतना, अब पीछे 8 गाय मारी है वहाँ पे सुंदरखाल में। हाँ, टाइगर ने तो गया तो इधर से ही होगा ना टाइगर। हाँ जी, इधर से ही गया होगा ऊपर से। प्रधान जी का जब ये घर बगा तब ये सरकार ने पिलर दिया, तब इससे जरा पानी में रोकथाम हो गई, उधर को चले गए, नहीं तो नदी इसी में। ये पिलर दिया जो था। ये अभी बना है क्या पिलर? ये वाले तो अच्छा बाद में बने हैं, पहले बनते तो कटाव ही नहीं होता। पानी यहाँ से नीचे को चले ऊपर। रात को सब हिरण आ जाते हैं। हाँ देखो, अरे कितने सारे कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे। कुत्ते तो सर ये गांव ठहरा भी, गांव में तो यही घूमते हैं ज्यादा। पर यही तो गुलदार खाता है फिर। हाँ, तब तो गुलदार आता है, वो देखो कितने कुत्ते हैं सब गुलदार। ये देखिए दोस्तों, ये भी सर देखो आप नदी बढ़ेगा तो सीधा पार वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ बनाते हैं 3 शेड जंगल के नीचे। अच्छा, और नहीं तो देखो ये नदी आ गई तो कुरान लगा गए थे। हेलो कैसे बेटा, नौमत पढ़ स्कूल जाते हो? हाँ। बढ़िया,
भाई तुम लोगों से हमने बाघ देख रखा होगा। राम राम जी। राम राम। डरते नहीं हो बाघ से? हाँ नहीं डरते? अरे भाई ये भी खुद शेर है भाई। नहीं डर तो सामने आएगा तो सब शेर निकल जाएगा। सामने सामने डरते हैं तो। देख तो रखा होगा बहुत बार। दूर होगा तो नहीं डरते हैं। अच्छा कोसी रिवर में आ जाता है? हाँ कोसी के पार कभी बार भी आ जाता है। अच्छा अरे कितना डेंजर जंगल है यार कितना। उसके पापा वो करते हैं गाइड। अच्छा दिखाने जाते हैं। ठीक है ठीक है। इसके पापा कभी मैडमों को जिम कॉर्बेट में गाइड है। अच्छा तो गाइड कॉर्बेट में गाइड है। ठीक हो। अच्छा अच्छा ये मकान आपका है? अच्छा 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 बहुत बढ़िया। कितना खतरनाक है यार। ठीक है हाँ सब बह गया। सब टूट गया। हाँ हाँ अब क्या करें? अब यहाँ रहते हैं आप जो कुछ हो इतना पानी आ रही। अच्छा चाहे यार माँ हरे गंगा में बहुत मुश्किल है। तब लड़का है तो हमें मकान। अच्छा अच्छा पीछे रहते हैं पास है तो क्या करने है माँ हरे बहुत मुश्किल है। वहाँ टबरा दे वहाँ गांव सब डूब गया सब बह गया। मकान भग गए सब मकान। हाँ पानी में बहुत तबाही किसी के घर में बहुत मुश्किल टूटा सब बह गया। ये अरबी लगी अरबी ये पाप है। अच्छा ये भिंडी लगी है देखो दोस्तों ये भिंडी लगी हुई भिंडी भिंडी है ये देखो भिंडी लगी हुई है एकदम ऑर्गेनिक भिंडी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है दोस्तों ये बोला चुक्कम विलेज सिंचाई विभाग उत्तराखंड। इतना मर्जी कर लो जब पानी आता है ना सब कुछ बहा के ले जाता है। ये देखिए एक पूरा मैदान आ गया यहाँ पे। दोस्तों इतने घने जंगल देखिए ना कितने घने जंगल हैं बिल्कुल जैसे हम डिकाला जाते हैं अंदर पिजरानी से दिखते हैं अंदर जाके कितने घने जंगल हैं भाई। कितने मकान थे जो भी थे सब जो मैंने आपको दिखाया सब टूटते हुए चले गए सब बह गए कहीं के तो नामों निशान मिट गए। सर कोई कुत्ता अपने होते हैं तो अपने मकान समझ के बैठे हैं वहाँ देखो। अच्छा अरे भाई क्या चीज बता दी आपने बात बताइए। देखिए यहाँ पे इनके मालिक का मकान हुआ करता था वहीं बैठे हैं आज ये वहीं बैठा करते थे पुराने मकान पे अपने कुत्ता सेंस कर लेता है अपने जगह बैठे हैं पहले मकान था वहीं बैठे हुए। अरे वाह 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 क्या बात बताई दयाल जी आपने बहुत अच्छा। देखिए कितना आपको दो मंजिला स्कूल बनना था वहाँ को पढ़ने वाली और कोशिश इसमें कायम हो जाएगी। हाँ जी जब रोकथाम ही नहीं होगा जैसे प्रधान जी के यहाँ पे रोकथाम आप बन रखा है हाँ। ऐसे रोकथाम हो रखा है फिर अब पता नहीं 5-6 करोड़ का आ रखा है बल अभी। अच्छा पास हो गए हाँ बना देंगे तो ठीक है नहीं तब बचेंगे नहीं बनाएंगे तो फिर चले गए हम। अरे अरे अरे, अरे। और इनकी जिनकी जितनी जमीन बह गई इनको अभी तक कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला अभी आप चलो और फिर अंधेरा हो जाएगा जाते जाते फिर उनका घर दिखाऊंगा मैं आपको सरकार ने टीन दे रखा है रहने के लिए पीछे से गांव की तरफ जंगल की तरफ से हाँ उधर से। अरे वाह 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 बहुत डेंजर होने वाला काम। हाँ वो तो सर ये 2-4 माह से हम बचे हैं और ज्यादा आगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ये देखो तबाही का मंजर हाँ कैसे आया था पानी तो जिन पे बीतती है उनको पता है बड़े बड़े पेड़ थे जब पानी आया तो ये पेड़ों का
सर मेजर साहब बोलते थे हमारे वहाँ मेजर साहब का बगीचा था यहाँ से वो जहाँ हरा पेड़ दिख रहा है हाँ हाँ पूरा बगीचा बच गया। अच्छा 500 ये 600 पेड़ों में से ये 3 पेड़ रहेगा सर। क्या बात है, पानी सब गए। ये लीची के लीची और आम मिक्स थे सर। हाँ ये लीची दिख रही है ना ये, और ये नहर था यहाँ से पानी आता था, ये नहर सब बाहर ले गया। अच्छा तभी तो बंजर हो गया सर। अभी यानी कि जो लोगों के घर बह गए वो चले गए यहाँ से सर, जिनके पास पैसा था फिर वो तो चले गए, जिनके पास कुछ नहीं है वो अभी आते समय दिखाऊंगा मैं आपको उनका घर। अच्छा वो जो शेड में रह रहे हैं मजबूरी में। अरे भाई सरकार ने 3 दिन के उनको बट तीनों के अंदर दिन काट रहे हैं। अच्छा और सब ये होटलों में काम करते होंगे वेटर वगैरह? हाँ जी वेटर वगैरह तो नहीं करते सर, गाइड अनपढ़ गाँव के हुए हम। हाँ ये तो ऐसे ही बर्तन धोने का, ये झाड़ू आलू साफ सफाई करने का। अच्छा बहुत मुश्किल लाइफ है यार। मतलब घर था जिसके अंदर हम रहते हैं। अच्छा वो घर था ये पूरा ले गया भाग के इसको। अच्छा अरे भाई नारायण सिंह का घर था ये। बताओ नारायण सिंह नाम है ये किसी का मकान था? हाँ जी नारायण स्वामी यहाँ तक आया था, देखिए मैं चलता जा रहा हूँ। नारायण जी का? हाँ जी ये नारायण जी का मकान की जगह पे ये बता। अरे भाई मेरे हे भगवान सबका भला करना। ये तो पूरा जंगल है ये तो पूरा। हाँ जी सर तार ये भांग लगी हुई पीछे भांग। हाँ जी भांग तो बहुत होता है सर। अच्छा भांग तो एक बार लग गई वो तो बस फैलती जाएगी वो खत्म नहीं होती भांग। लगेगी मतलब सर कैसे? उसके बीज गिरते हैं ना हाँ। वो फिर वहीं पे उग जाती है। अच्छा हाँ भांग तो आदमी भी फिर जो जो खाता है वो तो फिर आदत लग जाएगी ना उसको भी। हाँ भांग का नशा सबसे खतरनाक है। हाँ जी सर ये पूरा गांव था हमारे। अच्छा ने सब खत्म कर दिया। अच्छा यहाँ भी घर थे सब? हाँ जी यानी वो पीछे तक चुकम गांव है वो लास्ट तक। ये लास्ट तो ये कोना का ये वहाँ पर जाने वाले हैं हमारे। अच्छा और वापसी कहाँ से जाएंगे? वापसी इधर को आएंगे सर। इधर को अंदर की तरफ जाएंगे? इधर को जाएंगे। देखो सर लेट तो नहीं हो रहा आपको? नहीं हाँ। तो नीचे से आने में अंधेरा हो जाएगा बहुत। ये घोराबाग कहते हैं ना हम घोराबाग हाँ। वो वाला गांव है और यहाँ से ऊपर को जाना है। अच्छा एक और गांव भी है आगे? सर ये घोराबाग है और लास्ट है घोराबाग। हाँ जी ये लास्ट पहाड़ दिख रहा है आपको? हाँ 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 तो वहाँ तक गाँव है। टाइम जो है टाइगर लेपर्ड का ही है। टाइगर और अभी दोस्तों हम जहाँ से आए थे वो रास्ते को रिपीट नहीं करेंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। जो कह रहे हैं ना बाढ़ में जो लोगों के घर टूट गए थे उनको टीन शेड दिया हुआ है, टीन शेड वाले घर दिखाएंगे अपने उन लोगों के वो किस स्थिति में रह रहे हैं। चलिए यार सही में देख के दिख रहा है। हाँ नदी पार करना रोज डेली का हो गया है। अच्छा ये रोज का है आपका? हाँ नदी पार करना छह में होता है ना 6 बजे बाद बाहर निकलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई फंक्शन है इधर तो हमको झुंड बना के आना पड़ता है। सही बात है। अगर कोई शादी ब्याह है तो हमको झुंड बना के आना पड़ता है साथ। बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी आधा घंटे बाद इधर आवाज करने लग जाएगा शेर भी सब हिरण आ जाएंगे शेर। अच्छा टाइगर दहाड़ मारेगा? बताओ इतना यानी कि डर है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत दहशत हो गई जब से भाग हमारे गाँव तो कुछ जॉब भी तो करते होंगे आप कहीं? तो जॉब करके आ रहा हूँ इधर ये आयुर्वेदिक कंपनी है ना एमपी सर। अच्छा अंदर ही है ये मोहन के आगे? अच्छा 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 गार्डन वाला रास्ता है ना रोड उसी के ऊपर उसमें करते हैं आप? उससे पहले एक होटल है कॉर्बेट इन उसमें हाँ, वो है खुलबे जी। हाँ खुलबे जी मेरे पुराने जान पुराने जानकार पहचान निकल गई निकली भी है उनका वो क्या नाम है कॉर्बेट बाग बिग कैट। हाँ बिग कैट अब
अब देख लो कैसे कहाँ पे गाँव, ये देख लो ये इधर सब ये लोग रहते थे, अब कोई नहीं। अच्छा खाली है, खाली है ये बरसात की वजह से तो गए हैं छोड़ के, अब यहाँ तक पानी भर जाएगा फिर आएंगे। अच्छा अच्छा, पूरा पानी भर गया था तो इसलिए। तो फिर ये लोग इधर रेंट पे हैं मोहन में। अरे अरे अरे, फिर क्या करे, मजबूरी है, ये पानी ज्यादा आ गया, बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा आदमी, कुछ सहायता तो आती थी नहीं आती है, जिनके घर वर है उनको मिला क्या है ना, कुछ नहीं मिला है, पुल ही बना दे कुछ ऐसा कर दे, पुल टूट जाएगा ना, हर साल बाढ़ आती है, रोड कहाँ से आई है, नहीं है चलो चलो चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल लाइफ है ये, देखा लोग बोले यहाँ से चले गए हैं यहाँ से। अच्छा टीन शेड बना कर रखे हैं, थोड़ा दिखाओगे आगे से एक बार, क्या आगे आएंगे, ये सामने है सर, सरकार ने मदद की, अभी ये इसमें रह रहे हैं, खाली है ये, खाली है सर, ये चौमास में कौन रहेगा सर, लेकिन ये पहाड़ में भी नहीं चढ़ सकते ना सर, ऊपर से पत्थर आते हैं, अच्छा बाघ शेर अलग आते हैं, ये तो गांव से बिल्कुल अलग, जंगल के पास किनारे दे दिया। हाँ ऐसे तो करती है गवर्नमेंट, मरने को छोड़ती है, आपके यहाँ नीमा देवी जी को कहाँ छोड़ा हुआ है, शौरी जी को कहाँ छोड़ा हुआ है, बिल्कुल टाइगर की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अभी 6 बजेंगे जैसे अंधेरा होना चालू हो जाएगा, टाइगर तो इधर से कहीं से भी आ जाता है, उसको पता इजी शिकार है मेरा यहाँ पे। हाँ। तो देख लीजिए ये जो घर है, तीन जगह कितनी है छुपने की, ये देखो ना, हर जगह छुपने की है उसकी तो। हाँ ये लेंटाना फैलती जा रही है, ये झाड़ी ये वाली। हाँ बिल्कुल खाएंगे अमरूद, अरे वाह इतने मीठे लगे हुए हैं यहाँ पे। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल लाइफ है। दो चैनल है वैसे, एक है वाइल्ड लाइफ विद साकेत और एक है वाइल्ड लाइफ विद सुनील। आप इधर जाते हैं गांव में, गांव के हो? अच्छा बताओ तो पढ़ते कहाँ हैं आप? रामनगर। रामनगर में, तो ये पानी से निकलते हो आप भी रोज? पानी से रोज निकलते हो आप, जाते हो वहाँ? तो जब ये बारिश आती है फिर? जाते। अच्छा स्टडी खराब होती है। चलो हिम्मत है आप लोगों के अंदर। ठीक थैंक यू। वाइल्ड लाइफ विद साकेत SAKET। वाइल्ड लाइफ विद सुनील। वाइल्ड लाइफ विद सुनील, बस वाइल्ड लाइफ विद तो दोनों में सेम है, मेरा साकेत है SAKET। चुक्कुम गांव में हमारे लिए जब तक अमरूद आ रहा है, चुक्कुम गांव में हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हाँ बिल्कुल कैच करेंगे, ये देखिए कहाँ चढ़ गए हमारे लिए दयाल जी।